ऑल मुझे लगता है ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, इतने आर्टिस्ट आए, 3 दिन की एग्जीबिशन की, वो भी दिवाली के इतने करीब। आई थिंक इन लोगों को श्रेय जाता है, ये औरतों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, इनके पतियों का भी सपोर्ट पूरा रहा है, उनने भी बहुत हार्ड वर्क किया है और ये वाकई रंग लाया है। द हार्ट ऑफ आर्ट इज़ नाउ अ नेम टू बी रेकन्ड विद, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म एवर इन इंडिया फॉर आर्ट। अब ये बहुत यंग छोटे आर्टिस्ट और बड़े बड़े ये बहुत महान आर्टिस्ट भी यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ के मतलब ललित अकेडमी जो बोले पूरे सबके हेड हैं, और नितिन जी लेके आए ऐसी ऐसी पेंटिंग्स जो मतलब करोड़ों की हैं, तो हर रेंज की पेंटिंग्स यहाँ देखने को मिली हैं। मुझे लगता है कि ये आर्टिस्ट में बहुत टैलेंट है, इन्हें एक्सपोजर की ज़रूरत है और हार्ट ऑफ आर्ट का यही प्लान है, यही मकसद है। ये 3 दिन की चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी भर का एक साथ है, जो ये इनके साथ जुड़ेंगे हार्ट ऑफ आर्ट के साथ वो लाइफ लॉन्ग जुड़े रहेंगे। अब मुझे बहुत पसंद है, हमें बहुत लोगों ने ज़िंदगी में पेंटिंग्स गिफ्ट की, कई बार मैंने जाके एग्जीबिशंस को मैंने इनॉग्रेट किया तो उन्होंने भी गिफ्ट की, तो हमें समझ में आता है कि जो पेंटिंग जैसे एक आदमी ने मुझे गिफ्ट की थी आज 7-8 साल पहले, उसके पीछे यानी वो टाइम पे प्राइस आई थिंक 45,000 था और आज मैंने वो घर पे अपने रखी थी। मेरी एक बहुत ही आर्ट कलेक्टर है, उसने कहा बिंदु ये तो उसकी पेंटिंग है, आपने ऐसे कैसे रखी हुई है? मैं कहा भाई कैसे रखूँ? बोला बहुत संभाल के रखो, ये 2 लाख के ऊपर है। मैं समझ गया कि सारा इतनी फास्ट में इतनी फास्ट उसकी प्राइस बढ़ते जा रही है, तो मतलब फ्यूचर किसका कब। वो उत्तम चाटर्जी की फोटो पेंटिंग थी और बाकी बहुत, और ये जो यंग बच्चे हैं इतने यंग एज में भी इन लोग के पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग जिन्हें अपनी ज़िंदगी भर में दिल तो था आर्ट करने का लेकिन जॉब की, वो रिटायरमेंट के बाद भी आर्ट कर रहे हैं। तो यू शुड फॉलो योर पैशन, यू शुड फॉलो योर ड्रीम, एंड जो 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 चीज़ बच्चों को मौका मिल रहा है उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज बहुत जगह आर्ट की ज़रूरत होती है, हर होटल के रूम में एक आर्ट की फ़ोटो लगी होती है। तो यहाँ से अब हार्ट ऑफ आर्ट को कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे मैरियट होटल के साथ, दूसरे होटलों के साथ, ताकि वो हमसे सामान खरीदें और ऑनलाइन डायरेक्ट हमारे ही इससे करें। हमारे पास भी बहुत लंबे लंबे सपने हमारे भी हैं जो हम पूरे करेंगे हार्ट ऑफ आर्ट के साथ। हाँ, मेरे विजिटर्स जो मैंने जो तगड़े करोड़पति विजिटर्स हैं उनको मैंने बुलाया, उनने भी आके देख के गए, लेकिन ये आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा आर्ट है और इमीडिएटली तुम सीधा फट करके खरीदना, ये आर्ट इतना ईजी नहीं होता। लोग एक गैलरी के अंदर एक ही आर्टिस्ट आता है, उसकी भी पेंटिंग है, एक एक दो दो चार चार घंटे सोच समझ के फिर खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ये ज़्यादा बहुत महंगे नहीं थे, तो जैसे फर्स्ट डे में आया तो हमारा दिल किया गया यार ये हनुमान जी की फ़ोटो ले लें, खरीद लें, तो हमने खरीद ली, 2-4 चीज़ें मैंने खरीद ली, तो मज़ा आया और वो मेरे घर पे है, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ लगानी है। लेकिन मेन चीज़ ये कि यहाँ बहुत, अभी मैं निकलूँ तो माल तो लेके आया हूँ कि कुछ और भी खरीद लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ हैं। लेकिन द थिंग इज़ के अगर आप आराम से बैठ के अपने कंप्यूटर पे आराम से देख देख के एक एक चीज़ को देख के, और वो आर्टिस्ट की क्या विजन थी, उसने क्या सोचा था ये पेंटिंग बनाते वक्त, वो क्या है, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत मज़ा आता है ख़रीदने के लिए। आई थिंक आर्ट एग्जीबिशन में सब लोग आना पसंद नहीं करते, जो रिच लोग हैं वो बोलते हैं यार घर पे बैठ के हम लोग कर लेंगे, और वो भी वीक डेज में है, संडे का भी दिन हमारे पास नहीं है कि संडे को दिवाली है। तो आई थिंक वीक डेज के लिए दिस वॉज ट्रमेंडस, मेन थिंग इज़ के दिस इज़ फॉर एवर, नॉट जस्ट 3 डेज। आपको समझना पड़ेगा, हुसैन साहब थे हमारे सामने, हमने हुसैन साहब को बहुत चलते हुए देखा, चप्पल पहन के रोड पे चल रहे होते हैं, कभी शबाना जी के घर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, और उनको अपनी लाइफ के एंड में जाके उनकी वैल्यू मिलने लग गई, उनके प्राइस बहुत ऊपर हो गया और वो कर सके, वो फॉरेन कंट्री गल्फ कंट्रीज जाके उनकी वैल्यू बढ़ते 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 उन्होंने देख लिया, जाने से पहले उनकी ऑलरेडी बहुत वैल्यू हो चुकी है, अभी तो ट्रबल ट्रिपल चौपल हो चुकी है उनकी वैल्यू। तो ये यंग लोग आर्ट में आए हैं और जो यंग लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, ये पेरेंट्स को सल्यूट है जो उनको करने दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट सच अ ईजी प्रोफेशन। इसका सपना जो है वो उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत और लगन लगती है, और इनमें वो हुनर है।
अगर इनके पेरेंट्स और इन्हें करने देंगे, अगर हमारे जैसा आर्ट ऑफ आर्ट वाले इनकी पेंटिंग अभी से ही बेचना शुरू कर देंगे तो आगे चल के ये करते जाएंगे और ये भी इनमें से भी कोई ना कोई एम एफ हुसैन बनने की ताकत रखता है। एग्जीबिशन का जो एक्सपीरियंस था वो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी गुना अच्छा रहा। ये एग्जीबिशन का जो सक्सेस है, हमें जो पार्ट करना था वो हम कर चुके थे, लेकिन जो सक्सेस था वो इनका पार्टिसिपेशन था। वो किस तरह से पेंटिंग लेकर आते हैं, किस तरीके से उसके हैंग करते हैं, किस तरीके से वो अपने जो विजिटर्स हैं उनको अटेंड करते हैं, तो ये जो चीज़ है वो हमारे आर्टिस्ट लोगों ने की है। और हम फ्रॉम द बिहाफ ऑफ आर्ट ऑफ आर्ट सबको थैंक्स कहना चाहते हैं आर्टिस्ट को। हमारे एफर्ट्स हमने किए हैं, उनके एफर्ट्स हमने किए हैं, और आने वाला जो पोर्टल है वो एक्चुअल रिजल्ट देने वाला है। ये 3 दिन में मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक फैमिली बनाई है। हम आर्टिस्ट एक दूसरे से कनेक्ट हुए, हमने जिन्हें सिर्फ नाम से सुना था, हम जिन्हें सिर्फ साउंड से जानते थे, वो हम एक दूसरे से मिले, हमने आपस में एक कनेक्शन बनाया है। और जान के इतना अच्छा लगा कि लोग काफ़ी जगह पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि आप कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, इवन वो इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। इतना एंथुजियाज़म हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये सारे आर्टिस्ट की वजह से आया हुआ है। तो मैं सारे आर्टिस्ट को थैंक्स कहूँगी, हमारी टीम को थैंक्स कहूँगी, क्योंकि ये इसे सक्सेसफुल बनाने के पीछे हमारे टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है। और आप सब मीडिया वालों को भी थैंक्स कहूँगी कि आपने जिस तरीके का कवरेज हमें दिया है, आप जिस तरीके से हमें क्वेश्चन करते हैं, ये शो को आप लोगों ने भी एक अलग लेवल पर लेकर गए, तो आपको भी थैंक्स है। बाकी हमारे जो मेंटर्स हैं उनको तो तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। थैंक यू वेरी मच। सर देखिए, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तभी हमने कहा था कि हमारा मेन कंसर्न है कि हमारे आर्टिस्ट के घर में रोटी होना चाहिए। पैशन तो वो करते हैं, पर पैशन से घर नहीं चलेगा सर। पैशन वो खुद जानता है पर घर नहीं चलता है। तो आर्टिस्ट का घर चलना चाहिए, उनके पैशन की और उनकी आर्ट की उनको कीमत मिलनी चाहिए। तो उसके लिए जो कुछ भी पॉसिबल है वो हम करने वाले हैं। बस जिस तरीके से हमने पेशेंस रखा है, आर्टिस्ट को भी पेशेंस रखना है, और रिजल्ट सर ज़रूर आएगा। यहाँ सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहूँगा सारे लोगों को जो यहाँ सब लोग आए हुए हैं, और जो भी यहाँ पार्टिसिपेट हैं, मतलब ये अपने आप में बहुत ही अनूठा एक एग्जीबिशन किया है मुकेश जी ने, ज्योति जी ने। मैं इनको सबसे पहले तो इनको बधाइयाँ दूँगा कि इन्होंने हमारी महिलाएं बहनों को घरों से बाहर करके, बाहर ला कर और यहाँ पर पब्लिक में, मतलब एक इतनी बड़ी एग्जीबिशन की है, ये बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे वक्त 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 पर ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे कि ये हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आर्ट है, ये लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि अब अभी जितने भी मैं यहाँ देख रहा हूँ वो इस तरीके से हैं, क्योंकि अभी ये हर कोई तो जाके आर्ट गैलरी में जा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का जो यहाँ पे नेस्को के अंदर ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर इन्होंने जो एग्जीबिशन लगाई है, तो बहुत ही सराहनीय है। और एक से एक बढ़कर पेंटिंग है, मतलब आप किसको कह सकते हो कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और ख़ास करके मीडिया जो आया है कवर करने के लिए, तो मीडिया को भी बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि आप लोगों ने भी जो कवर किया, और हम लोगों को खास आप कवर करते ही रहते हो। तो ज्योति जी आपको और मुकेश जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, नमस्कार, थैंक यू। इसके अलावा आपने एग्जीबिशन देखा है, पेंटिंग देखा, आपने कोई पेंटिंग आपको खास लगी? बहुत है, अभी किसके लिए कहूँ, क्योंकि मैं जो अभी तक देख चुका हूँ, अभी और आगे मैं देखने वाला हूँ। क्योंकि आप किसी को जज नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें से ये बेस्ट है, मतलब एक से एक बढ़कर है। और सभी ने, मतलब इसमें मूर्तियाँ ऐसे पेंटिंग नहीं लग रही, बोलती हुई सी चित्र लग रहे हैं, कई तो मूर्तियाँ ऐसी लगी मुझे जो बोल रही है। तो बहुत ही अनूठा है और बहुत ही अद्भुत है, और ये सक्सेस है। आज तो 3 दिन का है, मैं तो ये उम्मीद करूँगा ज्योति जी से, मुकेश जी से कहूँगा कि ये महीनों का होना चाहिए, जिससे कि ये जो आर्ट है ये घर घर तक पहुँचना ज़रूरी है हमारे लोगों के। ये सिर्फ अमीरों का आर्ट नहीं, हम सब मीडियम फैमिली वालों का भी आर्ट है, तो इस आर्ट की कदर होनी चाहिए हमारे यहाँ, और कलाकार की तो हमेशा कदर होनी चाहिए। थैंक यू सर। आर्ट ऑफ आर्ट में आपका किस तरह का अनुभव रहा? कई सारी पेंटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिली है, मुंबई में इतनी बड़ी पैमाने पर पेंटिंग्स का एग्जीबिशन जो है बहुत कम लगता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बहुत सुंदर प्रयास आर्ट ऑफ आर्ट की तरफ से यहाँ नेस्को ग्राउंड में हुआ, और हम सब जानते हैं कि हम उसका एक एंजॉय, एक अपना
हुनर पब्लिक के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने यहाँ लेके आए हैं। आज कलाकार की जो स्थिति है और उसके लिए जो प्रयास होने चाहिए, दो तरह के होते हैं, एक सरकार की तरफ से नियम के अंतर्गत और प्राइवेट संस्थाएं जो होती है जैसे हयात, इनके तरफ से हुआ है, ये बार बार होने चाहिए। देश में बहुत सारे कलाकार हैं, कला एक विचार है, कलाकार अपना विचार समाज को देना चाहता है। एक फ्लैट ले लिया, फ्लैट के सफ़ेद हमनी दीवारी है, एक कला वहाँ लगने के बाद हमारे घर का रंग नक्शा और विचार बदल जाता है और यही का कला का एक अपना रोल चालू हो जाता है। बच्चा जब बचपन में कोयला हाथ में लेके दीवार के ऊपर बोलता है कि माँ मैंने देखो हाथी निकाला है, वो घर सौभाग्य है कि बेटा बहुत बढ़िया बना, अभी पंछी तुम बनाओ, उस घर में कला का जन्म होगा। वो स्वागत होना चाहिए, माँ ने पहचानना चाहिए कि बच्चे का क्या हुनर है, बच्चा किस लाइन में जाने वाला है। और माँ ने अगर गुस्सा किया ये दीवार तुमने खराब कर दी है, तो उस घर में कला कभी पनपेगी नहीं, कला कभी जन्म लेगी नहीं। बहुत बढ़िया। कला जमीन से जुड़ा हुआ नाता है। बारिश होती है, बच्चे बारिश में नाचते हैं, उनके पैर के प्रिंट, ये पहला दुनिया का प्रिंट मेकिंग होता है कि बच्चों के पैर पर जो निशान उमड़ते हैं वो डांस करता है और एक अपने निशानी का वह हुनर छोड़ता है। बहुत बड़े देश में बहुत बड़े बड़े लोगों के पैर के प्रिंट देके वहाँ रखा जाता है कि या हुसैन आया था, या पिकासो आया था, या और कोई महान कलाकार आया था। ये भाग्य आने वाले इस कला क्षेत्र के लिए मिलने के लिए ये प्रमोशन बार बार यानी बार बार होना चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसा कला का केंद्र महाराष्ट्र शासन पुणे पिंपरी चिंचवड़ में कर रहा है और उस प्रमोशन के लिए वहाँ भी आपको मैं न्योता देता हूँ और हयात को हम सब धन्यवाद देते हैं कि यहाँ इतने बहुत सारे कलाकार आए, उनको सम्मान मिला, उनकी प्राइजेस वगैरह दुनिया के सामने आ जाएगी और अच्छा सेल होगा। इस प्रयास के लिए और आप सभी के लिए ललित कला के पूर्व चेयरमैन के नाते मैं आपको नमन करता हूँ, धन्यवाद। ये सहकार्य हमेशा साथ में रहे ये मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आनंद राव डायरेक्टर, एक्चुअली आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी कोशिश है इनकी और इस कोशिश में सभी को मंच पर लाने की कोशिश की है। कहा जाए तो ये हार्ट ऑफ आर्ट है, यानी कि बाज़ार, हार्ट ऑफ मतलब हार्ट है, यह हार्ट कला की बाज़ार है और पूरे दिल से है, हार्ट से है। तो पूरे देश के लोगों को जोड़ने की जो प्रयास है, कोशिश है, उसका बहुत बहुत सराहना, बहुत बहुत शुभकामना। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आनंद राउत, मैं एक्चुअली फिल्म लाइन से डायरेक्टर हूं और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र के कलाकारों से मिलना जुलना होता है, उनमें कहीं कहीं पेंटिंग से, आर्ट से, सिंगिंग से, डायरेक्शन से, राइटिंग से बहुत सारे लोग मिलते हैं। मेरी अभी जल्द ही आने वाली फिल्म है पीहू, और पीहू बहुत मज़ेदार फिल्म है, थ्रिलर है, जिसमें रजनीत दुग्गल, मुग्धा गोडसे, राहुल देव और अरिजीत सिंह का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुंदर रोमांटिक सॉन्ग है। और एक और फिल्म है वेलकम वेडिंग, जो कॉमेडी फिल्म है, जो अगले महीना उसके ट्रेलर तमाम चीज़ लॉन्च हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यू जो दो फिल्में हमारी हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये आने वाली हैं और इसके ज़रिए आप लोग के ज़रिए मैं बताना चाहूँ कि जुड़ें और फिल्म को वो प्यार दें ताकि वापस हम अच्छी अच्छी चीज़ बना सकें, बहुत अच्छी चीज़ बना सकें। और जिस तरह इनका रहा है जुड़ने का एक मंशा रहा कि जोड़ें आर्ट के जरिए, उस तरह मेरा भी मंशा है कि देश के तमाम सिंगर, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर को जोड़ने की मेरी भी मंशा है। तो मैं चाहता हूँ कि उन तक मैसेज जाए और अपने टैलेंट को मेरे तक पहुँचाएँ ताकि मैं उनको सेलेक्ट करूँ अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। और बाकी बहुत सारे शुभकामनाएं, देख के बहुत मज़ा आया कि इंडिया में और हमारे खासकर मुंबई में इतने अच्छे ढंग से, भव्य ढंग से द हार्ट ऑफ आर्ट ने, बिंदु दारा सिंह जी ने और मुकेश कुमार जी ने बहुत सुंदर आयोजन किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा, नेस्को में हमारा एक एग्जीबिशन किया, इसमें हमने बहुत ही कुछ सीखा, नया कुछ सीखा,
हमारा आर्ट तो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। श्रीनाथ जी का हम लोग बेसिकली नाथद्वारा से ही हैं और मेरी कांदीवली में शोरूम है, उसका नाम तुलसी आर्ट गैलरी है। एग्जीबिशन में आके कुछ ऐसा लगा कि हाँ, आर्ट को देखने के लिए पूरे मुंबई शहर से यहाँ पे लोग आए और उन्होंने देखा कि कैसे कैसे बनता है। जैसे आप देख ही रहे, पीछे हमारा श्रीनाथ जी लगे हुए हैं और पीछे राधा कृष्ण है, गणपति हैं, पालीताना है, स्वामीनारायण धर्म है। हम सभी धर्मों के आर्टिकल्स बनाते हैं और पूरा हैंडमेड बनाते हैं और ठाकुर जी की कृपा से पूरे वर्ल्ड में हम लोग सप्लाई भी करते हैं। हर जहाँ जिस गोड को बनाए, जिसको जो गोड चाहिए वो अपने घर पे लेके जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, फाल्गुनी पाठक जी आए, सुनील शेट्टी सर आए, उसके बाद बिंदु जी तो हमारे सेलिब्रिटी है ही, और बिंदु जी के कारण हम लोग यहाँ हैं, तो बिंदु जी का भी बहुत आशीर्वाद रहा, बहुत बहुत ही बड़ा। सर जी, एक पेंटिंग को बनाने में कम से कम, किसी छोटी पेंटिंग को बनाने में एक महीना लगता है, किसी बड़ी पेंटिंग को बनाने में 4 महीना लगता है। हमारा ये 150 से 200 साल जूना वर्क है और काफ़ी टाइम तो लगता है सर, क्योंकि बहुत माइन्यूट काम है। अभी आज ये पेंटिंग का आखिरी दिन है, अगर किसी को पेंटिंग करना हो या तो हमारी गैलरी का नाम तुलसी आर्ट गैलरी है और कांदीवली में हम लोग 14 साल से हैं। किसी को भी श्रीनाथ जी की या कोई भी गोड की हैंडमेड पेंटिंग चाहिए तो प्लीज़ वेलकम कांदीवली में तुलसी आर्ट गैलरी।